तो ये देखिए, ये आ गया है एक और बाइक की एक्सेसरी। अब इसके अंदर क्या है आज इस वीडियो में देखेंगे अनबॉक्सिंग करके। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने तीन चीज़ ऑर्डर किया था, उसमें से एक चीज़ है। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं और वीडियो में आगे बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। लेट्स अनबॉक्स दिस। ज़्यादा डीप मार दिया यार मैंने छुरी, कहीं फट तो नहीं गया। ओके, तो ये हेलमेट का गोप्रो माउंट आ गया है। वेरी गुड, माशाल्लाह। मतलब अभी गोप्रो का जो माउंटिंग होगा वो फ्रंट में होगा हेलमेट के। जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम मैंने अपने हेलमेट की ग्लास चेंज करवाया, तो आप देख सकते हो ये ग्लास काफ़ी अच्छी लग रही है, स्क्रैचलेस है। और सबसे बेस्ट पार्ट, अब इसमें से क्लेरिटी आ रही है। मतलब रात के टाइम पे जब आप हेलमेट पहनते हो तो आपको ग्लास एक्चुअली बाहर ऐसे ओपन करके राइड करना पड़ता था, बिकॉज इतने सारे स्क्रैच थे कि ग्लास पूरी ब्लर हो चुकी। तो अभी मैंने हेलमेट तो नया नहीं लिया, बट मैंने ग्लास चेंज करवा दिया, जिससे कि इसकी क्लेरिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो अभी नाइट में भी राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर ये हेलमेट खोल के चलाने पर क्या होता था कि आँख में कचरा जाता था, और सडनली कोई एक बारीक सा कीड़ा आता है वो आँख में जाता है, फटता है ना, तो भाई आँख में ऐसा लगता है किसी ने मिर्ची डाल दी, और कचरा वचरा जाता है ना तो आँख ख़राब होती है। तो लॉन्ग राइड पे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए ग्लास हेलमेट का चेंज करवाना ज़रूरी है। और अभी गणपति का डेढ़ दिन का गणपति जा रहा है, तो आज बहुत ज़्यादा धुमाल मची है, आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में। आइए देखते हैं क्या है ये, किस तरह का है। सुपर क्वालिटी भाई, सुपर क्वालिटी लग रही है। पीछे ये रबर का जो पैड लग रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फ्रंट में आप देख सकते हो ये है इसका जे माउंट। तो ये जो जे माउंट है, ये इसमें आप गोप्रो को माउंट करते हो, और यहाँ से इस तरफ से आप इसे ऐसे लॉक कर सकते हो। मैं आपको माउंट करके भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आपको राइड करके उसका वीडियो भी क्लैरिटी दिखाऊंगा कि फ्रंट व्यू में ये वाला जो व्यू है उससे कितना अच्छा व्यू आता है। और ये एक एक्स्ट्रा अपने को ये दिया है, ये क्या है ये भी अपने को देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसको हेलमेट पे माउंट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लगता है, यहाँ पर परफेक्ट जा रहा है एकदम, इसको यहाँ से फिट किया जाता है। तो ये देखो भाई, ये बहुत ही परफेक्टली फिट हो गया है यहाँ पर फ्रंट माउंट, माशाल्लाह। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये फ्रंट माउंट इतना अच्छे से फिट होगा, और बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ क्या करना था, ये स्ट्रैप के अंदर आप देख सकते हो ये लॉक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से एक स्ट्रैप डाला, यहाँ से एक स्ट्रैप डाला, पीछे से आप देख सकते हो, और यहाँ से इसको घुमा के आपको सिर्फ इसे पुल करना है, और इसे पुल करने के बाद में आपको सिर्फ इसको लॉक कर देना है कुछ इस तरह से। और ये बहुत ही मजबूती से लॉक हो जाता है, बहुत ही मजबूती से लॉक हो जाता है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी फिटिंग है, और एकदम फ्रंट में ये हेलमेट के कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। आइए मैं आपको इस पर अपना गोप्रो भी माउंट करके दिखाता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो मेरा गोप्रो, मैं पहले यहाँ पर ऊपर हेलमेट पे माउंट करता था, तो मुझे बहुत मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता था कि प्रॉपर व्यू मिल रहा है या नहीं, और फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि प्रॉपर व्यू मिल रहा है। बट तो आइए मैं इसे फिट कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने इसको स्क्रू कर दिया है, और ये मेरा गोप्रो हो गया है फिक्स, और ये मैंने अपना गोप्रो स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमें गोप्रो यहाँ पर मिलेगा फिक्स करके। और ये अगर बाइक अगर हिलती भी है तो ये अच्छी तरह से फिक्स है, टाइट है, स्टडी है एकदम, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है। तो जब हम बाइक चलाएँगे तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट में व्यू देगा, तो आपको परफेक्ट मतलब जो राइडर लोग का जो व्यू आता है ना भाई फ्रंट से, वो व्यू अब हमें मिलने वाला है प्रॉपरली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा गोप्रो फ्रंट माउंट। हेलमेट माउंट किस तरह से फिक्स करते हैं ये आज हमने इस वीडियो में देखा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया है गोप्रो फिक्स, एंड वी आर गेटिंग राइड रेडी। तो भाई अब ये गोप्रो फिक्स तो हो गया है हेलमेट पे, और अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मच रही है कि कब मैं राइड पे जाऊँगा, और कब गोप्रो से कुछ अच्छे क्लिक्स, कुछ अच्छे वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा। तो आइए इसको मैं पहन के देखता हूँ कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है। और काफ़ी स्टेडी है यार, काफ़ी स्टेडी है। देखो ये थोड़ा सा मेरे को लूज लग, हाँ ये टाइट भी कर सकते हैं, मैंने खुद ही लूज रखा था। हाँ मस्त टाइट हो गया एकदम, ये देखिए
ये कुछ इस तरह से अपना सेटअप लगने वाला है। यूं हम बाइक चलाएंगे, गोप्रो सामने रिकॉर्ड होता रहेगा और इस तरह से कुछ रिकॉर्डिंग होने वाली है। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब मैं बात करूँगा ना, सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं मिस कर रहा था टॉप माउंट पे, कि जब मैं बात करता हूँ ना तो वो इस पर रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि मेरे पास गोप्रो का माइक नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव आता है, इसलिए मैंने इस पर इतना खर्चा नहीं किया है गोप्रो के माउंट पे। तो जब मैं ऊपर टॉप माउंट पे मैं गोप्रो को माउंट करता ना तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। बट अब क्योंकि ये फेस के सामने ही रहने वाला है एंड आई एम लिटिल लाउड वाइल टॉकिंग, जब मैं राइड करता हूँ थोड़ा लाउडली बात करता हूँ ताकि इसमें अच्छे से रिकॉर्ड हो, तो काफ़ी सारी बातें हैं जो इसमें शायद रिकॉर्ड भी हो जाएगी, ये सब हम टेस्ट करेंगे। ओह सुन लिया रे, GoPro इज लिसनिंग टू मी, वाओ। तो ये हो रहा है अपना ट्रायल, ये अपना टेस्ट हो रहा है। चिन माउंट, हेलमेट का जो चिन माउंट होता है वो मैंने फिक्स कर दिया अपने हेलमेट पे, और उसका अभी मैं विजिबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चिन माउंट से जो व्यू आता है वो किस तरह का व्यू आता है और क्या मेरी वॉइस इसमें क्लियरली रिकॉर्ड होती है या नहीं होती, ये सारी चीज़ें हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। आज चिन माउंट का GoPro एक्शन कैमरा GoPro Hero 9 लगा हुआ है और ये बहुत ही बेस्ट काइंड ऑफ एक्शन कैमरा है फॉर मोटो ब्लॉगिंग एंड ऑल्सो फॉर अंडर वाटर वीडियो शूटिंग। तो इसका जो लिंक है, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो इसका जो अमेज़ॉन लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको भी बाय करना है GoPro 9, 10, 11, 12, सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अमेज़ॉन से ऑर्डर करने का एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको डिलीवरी बहुत फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाती है इफ़ यू आर अ अमेज़ॉन प्राइम मेम्बर, और रेट भी काफ़ी डिस्काउंटेड होते हैं कंपेयर टू एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अमेज़ॉन से आपको सबसे बेस्ट रेट्स मिल जाते हैं। ये भाई ये पानी कहाँ से आया रे, चार छीके वाला पानी कहाँ से आया ये? आई थिंक इतना काफ़ी है दोस्तों, इससे हमें पता चल चुका है कि हमारी चिन माउंट की रिकॉर्डिंग किस तरह से हुई है, और आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो माउंट मिला है ना भाई, वसूल है, क्योंकि मैंने ये है ना बाहर हेलमेट के शॉप में भी देखा, दे आर सेलिंग इट वेरी एक्सपेंसिव। तो फ्लिपकार्ट से भी मिला है और फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया, बट अमेज़ॉन पे भी इसका लिंक है, आपको मैं अमेज़ॉन का भी लिंक डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आपको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलूँगा आपसे, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा राइड देखने मिल जाए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स टू कम अप ऑन दिस चैनल, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपसे मिलूंगा मैं अगली जर्नी में, अगले सफर में, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।